वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो विद द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, सो दिस ऑली सीरीज इज कमिंग टू एन एंड। सो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ सो दैट आई कैन से थैंक्स टू एवरीबडी हूसोएवर वॉच माई वीडियोज। सो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सब लोगों का। सो जस्ट टू समराइज अगर बात करें, ओली चोपटा का पूरा ट्रिप अगर समराइज करने की बात करें, तो आपका जो दिल्ली से डिस्टेंस है, सो दिल्ली से डिस्टेंस इज नॉट टू गुड, नॉट टू यू नो फार, आई मीन दिस इज एन एवरेज डिस्टेंस। लाइक अप्रॉक्सीमेटली इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ टाइम दैट इट टेक्स, राइट? सो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 घंटे का सफ़र है, बट रोड्स आर वेरी क्लियर। बीच बीच में लैंडस्लाइड्स का इशू रहता है, कुछ कुछ रहता है, बट अदर देन दैट रोड कंडीशंस आर गुड। रात को ड्राइविंग शुड बी अवॉइडेड हेयर, रात को थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि लैंडस्लाइड रहेगी, कहीं कहीं रास्ता बीच में टूट जाता है तो रात को दिखता नहीं है इतना ईजिली। सो रात की ड्राइविंग अवॉइड कीजिए यहाँ पर, अदरवाइज इन डे टाइम यू कैन ईजिली रीच। बहुत अच्छी सड़कें हैं, मतलब यू मस्ट हैव वॉच्ड इन कंप्लीट सीरीज। और उसके अलावा घूमने की जगह देखें तो बहुत सारे लोकेशंस हैं। बेस्ट पार्ट, इट इज़ वेरी लेस क्राउडेड एज इन कंपैरिजन टू अदर हिल स्टेशंस, राइट? तो आपको बहुत कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, सो वो एक अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा बहुत सारे सीनिक पॉइंट्स हैं, डेस्टिनेशंस हैं, माउंटेन्स आपको स्नो कवर्ड भी मिलेंगे। अगर आप विंटर सीजन में जाते हैं तो यू विल गेट ऑल स्नो कवर्ड पीक्स, बट अगर आप विंटर्स के अलावा मौसम में जाते हैं तो भी उसके अलावा भी बहुत हरियाली है, मतलब दिस इज़ ए कम्प्लीट ग्रीन एरिया, मतलब वो भी एक अलग ब्यूटी है ऑल टुगेदर। तो ये जगह है। उसके अलावा मतलब अगर आप देखो तो रहने के हिसाब से होम स्टेज भी हैं, होटल्स भी हैं अच्छे। द ओनली प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे बैकअप इंटरनेट इन सब की थोड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि स्नोफॉल अगर हैवी हो जाती है विंटर्स में तो आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, सो वो एक चैलेंज है यहाँ पे छोटा सा, सो जस्ट कंसिडर दैट इन माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ आप जैसे आते हो तो आप बद्रीनाथ कवर कर सकते हो यहाँ पे। जब हम जिस टाइम पे गए थे तो उस टाइम पे बद्रीनाथ वाज नॉट ओपन, राइट? सो बद्रीनाथ आप कवर कर सकते हो यहाँ पे। बद्रीनाथ के अलावा यू कैन गो टू चोपटा, सो चोपटा एक लोकेशन है जहाँ पे यू कैन गो, तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी स्नोफॉल मिलती है, सो इट इज़ ए गुड प्लेस टू हैव। सो विद दिस आई बिलीव हमारा जो एक सीरीज चल रही थी, सो दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू से थैंक्स टू एवरीबडी जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस वीडियो के लिए। सो ऑल थैंक्स, जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू से थैंक्स टू एवरीबडी हु हैज सपोर्टेड सो मच। एंड आई होप कि जो आगे आने वाली सीरीज है, अभी कुछ और यू नो सम न्यू ट्रिप्स आर बीइंग प्लान, सो वो भी विल कम। सो आई होप यू विल कीप सपोर्टिंग मी द वे यू आर डूइंग। एंड बस एक चीज़ है, मेरे व्यूज़ ठीक ठाक होने शुरू हो गए हैं थोड़े बहुत, पर उसके बाद भी सब्सक्राइबर बेस इज़ नॉट इंक्रीजिंग। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप देख रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको उस टाइप के और वीडियोस देखने को मिले। सो विद दिस गुड नॉट, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग ऑल द सीरीज एंड दिस वीडियो। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी, डू मोर ऑफ थिंग्स विच गिव्स यू अ रियल इनर हैप्पीनेस। विद दिस नॉट, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, थैंक यू।